हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट। सो कैसे हो सारे? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे हफ्ते की तरह। सो आज की इस वीडियो में लग करने वाले भाई रिपब्लिक डे का फोटो टेकिंग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रिपब्लिक डे आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं एंड आप सबको भाई काफी कमेंट आते हैं कि 26 जनवरी की डेटिंग। मैं आप सबको एक बेहद जरूरी सूचना दे दूँ कि अगर आप सब बैकग्राउंड पेज डाउनलोड करोगे आज किसी डेटिंग का, सो वो डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन भाई जब आप फाइल में जाने को एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो किसी दूसरे फाइल में, सो वहाँ पे होगा नहीं, पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड तो आप सबको मालूम है नहीं। सो आज किस वीडियो में आप सबको कहीं पर भी वो पासवर्ड दे दूँगा। आप सब वीडियो कंप्लीट वॉच करो, पासवर्ड मिल जाएगा। एंड चलिए आज किस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन के अंदर भाई हमेशा की तरह कर लेना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन। ओके, सो मैं यहाँ से फोन के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड जैसे भाई ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपके सामने जो है भाई कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप सब देख रहे हो अभी। एंड यहाँ पे आप सबको नीचे की तरफ जो प्लस का आइकॉन दिख रहा भाई, इस पर आप सभी को क्लिक करना। एंड क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो आपको जस्ट नीचे की तरफ इस टाइप से स्क्रॉल करना है, ऐसे मतलब ऐसे इस टाइप से स्क्रॉल करना। यहाँ पर आप सबको कलर बैकग्राउंड के लिए जो एक्स वार बैकग्राउंड दिख रहा है आप सबको इस पर क्लिक करना। ओके, एंड इस वाले बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद फिर क्या होगा, मतलब आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ओके, सो आप सभी को इस टाइप का मतलब जैसे ही आएगा सो आपको यहाँ पे क्या करना और कैसे करना है आप सबको बता देता हूँ। सो आप सबको यहाँ पे टूल्स में जाना है एंड यहाँ से आपको क्रॉप में जाना है। क्रॉप में आने के बाद आप सबको यहाँ पे जो पोर्ट्रेट लिखा दिख रहा भाई, इंस्टा का आइकॉन बना हुआ, उस पर जाना एंड यहाँ से आप सबको यहाँ पे डन कर देना। सो आपका ये जो बैकग्राउंड साइज ये बन चुका है आपका इंस्टा पे पोस्ट होने वाला साइज ये बन चुका। ओके, एंड इसके बाद फिर आप सभी को चले जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप सबको यहाँ पे ऐड कर लेना है अपने फाइनल बैकग्राउंड जो भाई रिपब्लिक डे का इसका। एंड इसे ऐड करने के बाद आप सबको सिंपल जो है इस टाइप से बैकग्राउंड के ऊपर जूम करके लगा देना। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लगाया, इस टाइप से आपको सिंपल लगा लेना। एंड इस टाइप से परफेक्ट सेट कर लेने के बाद आप सभी को सिंपल यहाँ से डन कर देना। ओके, सो मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ। एंड इस टाइप से जैसे हमारा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग को फिर यहाँ पे लेना क्या, मैं आप सबको बता देता हूँ, देख लो आप सब। सो बैकग्राउंड मतलब ऐड फोटो में आने के बाद आप सबको यहाँ से अपने मतलब जो आपने फोटो कट करके रखा ये इसको लाना है अपने फोटो को। एंड इस टाइप से अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस टाइप से सेट करना। ओके, एंड इसे मैं पहले से कटआउट करके रखा हूँ, सुपर हाईलाइट में वीडियो आ रही तक आप लोग वीडियो देख लेना, आप लोग कटआउट करना सीख जाओगे अगर आपको कटआउट करना नहीं आता तो। एंड इस टाइप से परफेक्ट अपने फोटो को सेट करने के बाद सिंपल डन कर देना। ओके, सो ये तो हमने कर लिया। एंड इस टाइप से अपने फोटो को सेट करने के बाद भाई क्या करना हम सबको यहाँ पे वो आप सब देख लो। सो इसके बाद हम लोग फिर से चले जाएंगे भाई यहाँ पे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग को ऐड कर लेना एक 3 फ्लैग ब्लर फ्लैग पीएनजी है, मतलब ब्लर फ्लैग कलर पीएनजी है। सो ये रहा। एंड ये इसको लाने के बाद आप सब करना क्या, इस टाइप से अपने फोटो को ऊपर मतलब जस्ट आपके आगे इस टाइप से सेट करना। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस टाइप से सेट करने के बाद आप सबको सिंपल डन कर देना। एंड ये सेट करने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद विग्नेट पीएनजी को ऐड करना जो कि मैं यहाँ पे किया हूँ। और इस विग्नेट पीएनजी को ऐड करने के बाद आप सभी को इसका ब्लेंड मोड को कर लेना, नहीं करना किसी को कुछ नहीं करना, इसका ओपेसिटी कम करना। इरेज में जाने के बाद फेस को ऊपर से सिर्फ इरेज कर देना और सिंपल डन कर देना। ओके, सो इस टाइप से हम लोग करते हुए डन कर देंगे। एंड ये भी हमारा हो गया। एंड ये सेट करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ से चले जाएंगे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने का हम लोग ऐड करने वाले हैं जय हिंद का टेक्स्ट पीएनजी, जय हिंद जय भारत। सो इसे ऐड करने के बाद इसका ब्लेंड मोड को हम लोग स्क्रीन करेंगे भाई। एंड इसे करने के बाद इस टाइप से ब्लेंड मोड के इधर नीचे की तरफ हम लोग सेट कर देंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे किया और इस टाइप से सेट करने के बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इधर जो हम लोग डन का जो आइकॉन दिख रहा है हम लोग डन कर देंगे। सो ये हो गया हमारा सेट। ओके, और इस टाइप से सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा एडिटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग फालतू टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे पिक्सआर्ट के अंदर, इसलिए ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद अपने इस फोटो 3 डॉट पर क्लिक करके कर लेंगे सेव एंड पोस्ट करेंगे इंस्टा पर, मुझे टैग भी करना।